there are various methods to dispose solid waste, and obviously there are some old methods, and now they are modified as per the new trend. तो सोर्स से जो भी वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है, तो अगर आपका सोर्स पॉइंट ये है, ठीक है, अब सोर्स अगर आपका म्यूनिसिपल सॉलिड म्यूनिसिपल सेक्शन है, कोई हाउस होल्ड यूनिट है, ठीक है, तो वहाँ से जिस तरह का भी वेस्ट जनरेट होगा, हमारा प्राइम टारगेट है हमें उसको डिस्पोज करना है प्रॉपर मेथड के साथ, ठीक है। तो वो कौन सा डिस्पोजल मेथड हम अडॉप्ट करें ताकि जो सोर्स से लेके, और अगर हम बात करें एक प्रोसेस की, तो दिस इज योर डिस्पोजल पॉइंट, ठीक है। तो सोर्स टू डिस्पोजल, ऑब्वियसली इसके बीच में कई सारी प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे आपको सोर्स पे कलेक्शन करना होगा, कलेक्शन के बाद आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है। So that are, but two major point, that is source and disposal. तो सोर्स पे जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसको हमें डिस्पोजल साइट तक ले जाना है या ट्रीटमेंट साइट तक ले जाना है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी प्रोसेस अडॉप्ट करनी है ताकि जो ओपन डंपिंग हो रही है, जो लैंडफिल बनते जा रहे हैं, उनको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। सो अगर मैं पुराने मेथड्स की बात करूं, तो मेथड्स की बात करूंगा तो फर्स्ट मेथड जो है, दैट इज व्हाट, जो बहुत ही हार्मफुल है, दैट इज व्हाट, ओपन बर्निंग। तो ओपन बर्निंग इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो ओपन बर्निंग को हमें अडॉप्ट नहीं करना, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर मेथड, इसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ओपन बर्निंग नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन बर्निंग करेंगे तो हमारा एनवायरमेंट में जो भी धुआं और जो भी निकलेगा वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, ठीक है, सराउंडिंग्स को पॉल्यूट करेगा। तो हम इसके बाद इसको मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, क्लोज बर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज बर्निंग में जैसा कि हम एक मेथड अडॉप्ट करते हैं, दैट इज इंसिनरेशन प्रोसेस। तो इंसिनरेशन में हम क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट है उसको हाई टेम्परेचर पे हम बर्न करते हैं, ठीक है। बट ये भी आपका हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है? हार्मफुल इसलिए है क्योंकि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, अगर बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे हम सारा वेस्ट जनरेट कर देते हैं, सारा वेस्ट को क्या करते हैं, हम बर्न कर देते हैं, ठीक है। बट एनर्जी रिकवरी जो है इंडिया में वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। अदर कंट्रीज में बात करेंगे, फॉरेन कंट्रीज में बात करेंगे, तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है वो। तो इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी रिकवरी है वो कम है, इसलिए इंसिनरेशन मेथड को हम अडॉप्ट नहीं करते। दूसरा एक डिसएडवांटेज और भी है इंसिनरेशन का, वो ये है कि हम इंसिनरेशन में क्या करते हैं, जो अभी सपोज आपका प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। प्रॉब्लम को शिफ्ट करने का मतलब, अभी तक जो वेस्ट हमारा ग्राउंड में था या डंप यार्ड में था या डंपिंग साइट पे था, लैंडफिल में था, उसको हमने बर्न किया। तो हमने क्या किया कि लैंड का जो पॉल्यूशन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एयर पॉल्यूशन में। तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम शिफ्ट हो गई, है ना। तो इंसिनरेशन जितना कम हम अडॉप्ट करें वो ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंडफिलिंग की। अब लैंडफिलिंग में देखेंगे कि
या हमने एक ट्रेंच बनाया, पिट बनाया, और इस पिट में जो भी हमारा सोर्स है, सोर्स से हम लेके आए वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर कर, अब अगर मैं सिंपल लैंड फिलिंग की बात करूँ तो हमने यहाँ पे वेस्ट को ट्रांसफर किया, इस तरह से हमने सपोज इसको फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया, सो हमारा एक लैंडफिल प्रिपेयर। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना तो हमने इस जो भी वेस्ट यहाँ पे डाला है उसको ना ही कॉम्पैक्ट किया, ठीक है, और जब हम इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई लोड इस पे पड़ेगा, जब भी कोई लोड पड़ेगा तो वो लोड क्या करेगा, इसको दबाएगा, ठीक है। तो अब ये लैंड फिलिंग, इससे हमने क्या किया, वेस्ट को डंप तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज, अगर बारिश होती है, ठीक है, अगर बारिश होती है और बारिश जब होगी तो क्या होगा, पानी इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, और पानी पेनिट्रेट कर जाएगा इजीली क्योंकि वॉइड्स बहुत ज्यादा है, लीचेट फॉर्म होगा, यहां लीचेट फॉर्म होगा, और लीचेट जब फॉर्म होगा तो वो, और हमने बेस को भी प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया था, तो यहां से क्या होगा, सपोज आपकी ग्राउंड वाटर टेबल यहां पे है, तो ये लीचेट जो फॉर्म हुआ है ये ग्राउंड वाटर टेबल से इंटरेक्ट करेगा और हमारा ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, कंटेमिनेट करेगा। बात समझ में आ रही है, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा। अब इसको अवॉइड करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखिए इस सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो हम ट्रेंच बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम ट्रेंच बना रहे हैं, ये हमने एक ट्रेंच बनाया। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लीजिए, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे, प्रॉब्लम एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो इसका बेस है, है ना, जो ट्रेंच का बेस है और साइड है, ये हमें लाइन करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। और जब हम इसकी लाइनिंग कर देंगे तो लाइनिंग करने के बाद क्या होगा, लाइनिंग करने के बाद क्या होगा, जो ये ग्राउंड वाटर, जो पानी यहां से पेनिट्रेट हो रहा था, लीचेट जो फॉर्म हो रहा था, वो अब नहीं होगा। तो अगर मैं इसको एक लाइनिंग प्रोवाइड करा दें, जैसे कैनाल में हम देखते हैं ना, लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल हमने पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या होता है कि अगर लाइनिंग नहीं करते हैं तो सीपेज होता है, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए तो एक प्रॉब्लम तो हमारी यहाँ पे थी, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि ये पानी जो अंदर जा रहा है इसको हम रोकें नीचे जाने से, तो वो कैसे रोकेंगे, हम क्या करें, ये जो मटेरियल आपने यहाँ पे फिल किया है, जो भी आपने वेस्ट फिल किया है, उसको हम क्या करें, प्रॉपर लेयर फॉर्म में कॉम्पैक्ट करें। कैसे, लेयर फॉर्म में कॉम्पैक्ट करें। लेयर फॉर्म में कैसे कॉम्पैक्ट करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो भी जितना भी तरह का वेस्ट आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ऐसा भी आप वेस्ट फिल कर रहे हैं, अब हमने लाइनिंग कर दी तो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो भी वेस्ट आ रहा है उसको हम क्या करें, किसी भी तरह का वेस्ट हो, मैं एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ठीक है, उसको हम क्या करें, इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में, लेयर फॉर्म में फिल करते जाए। तो सपोज एक लेयर मैंने ये फिल कर दी, ठीक है, इस तरह से हम क्या करें, लेयर्स को, लेयर्स में इसको फिल करते जाए। तो जब लेयर्स में हम फिल करेंगे यानी कि हम कॉम्पैक्ट करेंगे इसको, है ना, तो इस तरह से हम क्या करें, लेयर्स फॉर्म में
दूसरी जो प्रॉब्लम थी हमारी, हमने उसको भी रिजॉल्व किया। हमने क्या किया, इसको प्रॉपर कॉम्पैक्ट कर लिया। प्रॉपर कॉम्पैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक प्रॉपर सॉइल से कवर कर देंगे। ठीक है, सॉइल से कवर कर देंगे तो हमारा इस तरह से एक ट्रेंच बन जाएगा प्रॉपर। इसको हमने क्या किया, मिट्टी से कवर कर दिया। ये सॉइल कवर प्रोवाइड करा दिया हमने। ये आपका जो भी वेस्ट था वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ये लाइनिंग प्रोवाइड करा दी, तो लाइनिंग से क्या होगा, सीपेज नहीं होगा। ठीक है, और अब जब इस पे कोई लोड आएगा तो वो लोड को सस्टेन कर पाएगा ये हमारा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये जो लैंडफिल बने वो लैंडफिल ऐसा हो कि जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सिंपल लैंडफिल। And this is sanitary landfill. दोनों में डिफरेंस हमें क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे जो हमने क्या किया था, सिंपली एक गड्ढा खोदा और उसमें वेस्ट को डंप कर दिया, जो कई सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। बट अगर मैं उसको प्रॉपर सिस्टम के साथ यहाँ पे कॉम्पैक्ट करके फिल करूँ, प्रॉपर लाइनिंग के साथ फिल करूँ एंड प्रॉपर उसको एक सॉइल कवर प्रोवाइड करूँ, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी इस सिंपल लैंडफिलिंग में वो हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी। देन अब ये सस्टेन कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सिंपल मेथड टू डिस्पोज द वेस्ट, बट यू हैव टू प्रॉपर टेक केयर ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, कि हम उसको ऐसा ना करें कि सिर्फ और सिर्फ उसको डंप कर दें, कोई भी प्रॉपर टेक्निक अडॉप्ट ना करें। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।